नागरिकता संशोधन एक्ट यानी कि CAA के विरोध के नाम पर देश भर में जमकर हिंसा हो रही है। वामपंथी और मुस्लिम संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद में आज सार्वजनिक संपत्तियों को जमकर निशाना बनाया गया। सबसे अधिक उत्पात उत्तर प्रदेश में हुआ। अदब के शहर लखनऊ में खूब बेअदबी हुई। विरोध प्रदर्शन के नाम पर हुई इस तरह की हिंसा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी नाराज नजर आए। मुख्यमंत्री योगी ने एक अहम बैठक बुलाई। बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदर्शन के नाम पर हिंसा की इजाजत नहीं दी जा सकती है। हम उपद्रवी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो भी हिंसा में दोषी होगा उसकी संपत्तियां सीज की जाएगी। इससे हिंसा में हुई क्षति की भरपाई की जाएगी। उपद्रवियों ने पुलिस के साथ साथ सरकारी बसों को भी निशाना बनाया। मीडिया की बसों को भी नहीं छोड़ा। उनके ओबी वैन नष्ट कर दिए गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज भी किया। परिवर्तन चौक पर कांग्रेस और वामपंथी दलों के कार्यकर्ताओं के अनियंत्रित प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। डालीगंज इलाके में पथराव और तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शन के दौरान दो पुलिस चौकी को भी निशाना बनाया गया और संभल में सरकारी बसों को आग के हवाले कर दिया गया था। तो इस तरह मुख्यमंत्री योगी ने इस भीषण क्षति को देखते हुए एक एक उपद्रवी को पहचान कर उसकी संपत्ति जब्त कर सरकारी नुकसान की भरपाई करने की बात की है। तो दूसरी तरफ नागरिकता संशोधन एक्ट से वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुरी तरह से सनक गई है और भारत के घरेलू मामले को UN में घसीटने की कोशिश कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने की चुनौती देने वाली ममता का इस तरह का व्यवहार अप्रत्याशित नहीं है, बल्कि उससे तो इसी तरह की हरकतों की उम्मीद होती है। इससे पहले कश्मीर मामले को पंडित नेहरू UN ले गए थे, जिसका खामियाजा भारत आज तक भुगत रहा है। और अब ममता बनर्जी भारत के आंतरिक मामले को UN में घसीटने की कोशिश कर रही है। बौखलाहट में ममता ने यह भी कहा कि जनमत संग्रह के बाद देखते हैं कि कौन जीतता है। इसे ममता बनर्जी का दिमाग खराब होना ही कहा जाएगा, क्योंकि वो जनमत संग्रह से उस सरकार को हटाने की बात कर रही है जो 6 महीने पहले ही प्रचंड बहुमत के साथ ममता बनर्जी की उम्मीदों को कुचलते हुए सत्ता में आई है। ममता तो चुनाव से पूर्व ये भी कहती थी कि वो पीएम मोदी को पीएम नहीं मानती है और चुनाव के बाद नए पीएम से ही बात करेगी, लेकिन मोदी ही फिर से पीएम बनकर वापस आ गए और ममता का दिमाग और खराब हो गया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ममता के बारे में और योगी आदित्यनाथ के बारे में आपकी क्या अलग अलग राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या योगी का फैसला सही है, इस बारे में अपनी राय जरूर दें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।